नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में बहुत ही सिंप्लीफाइड मेडिकल एजुकेशन और सिंप्लीफाइड टॉपिक्स में आपको बहुत सिंप्लीफाइड नॉलेज देता हूँ। सारी जानकारी जो है मेडिकल लाइब्रेरी, यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से ली जाती है, वेरीफाई करके देता हूँ हर एक जानकारी, तो इसलिए आप ट्रस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेरिकोस वेन के बारे में। वेरिकोस वेन पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लोग पूछते जा रहे हैं, और ये बहुत कॉमन भी हो गई है बीमारी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा भाग दौड़ की जिंदगी है, खड़े हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अपने अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे, वजन बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सारे रीजन से वेरिकोस वेन हो रहे हैं। वेरिकोस वेन क्या है, क्यों होते हैं, कैसे ठीक करना है, आज हम जानेंगे। अगर मैं बहुत तेज बात कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक बड़ा होता है, लोग बोलते हैं शॉर्ट करो शॉर्ट करो शॉर्ट करो, तो कर रहे हैं शॉर्ट। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए, ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। सो गाइस, वेरिकोस वेन बेसिकली क्या है? वेरिकोस वेन आपकी वेन है। पहले आपको समझना होगा वेन क्या है, आर्टरी क्या है। दोस्तों, आपके दिल से खून की दो नसें अटैच्ड हैं। एक नस जो दिल से खून लेके जाती है आपकी टिश्यूज को, उसको बोलते हैं आर्टरीज, और दूसरी नस जो टिश्यूज से खून लेके वापस आती है आपके हार्ट में, उसको बोलते हैं वेन्स। तो ये वेन्स है जो वापस लेके आती है, नीचे जाती है आर्टरीज, ऊपर लाती है वेन्स, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आती है वेन्स। आर्टरी के अंदर कोई वैल्व नहीं, लेकिन वेन्स को ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को लेके आना है, तो वेन्स के अंदर वैल्व्स बने हैं, वन वे वैल्व्स। तो वेन्स में क्या होता है, वेन्स में जब ब्लड ऊपर आ जाता है, इधर से ऊपर आ जाता है, ये खुल जाता है, ऊपर चल जाता है, नीचे आने की कोशिश करता है, बंद हो जाता है, इस तरह से ऊपर 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 जाते जाता है। होता क्या है, वेरिकोस वेन में बहुत देर तक खड़े रहने के लिए या बहुत सारी कंडीशन से, किसी ना किसी कारण से, उम्र से या रिस्क फैक्टर से, ये जो वैल्व है इसकी फंक्शन खराब हो जाती है। तो ये अगर वैल्व वेन की फंक्शन खराब हो जाएगी, तो जब ये एक तरफ खुलेगी, दूसरी बार ये वापस ऊपर नहीं आएगी, बंद नहीं होगी, खून वापस नीचे चले जाएगा, तो इसके नीचे वाले कमरे में खून आ जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, तो कमरा फूल जाएगा। इसलिए वेन धीरे धीरे वो फूलेगी, तो फिर अगर नीचे का कमरा फूलेगा तो ये भी फूलेगा, फिर ये फूलेगा तो ऊपर का फूलेगा, फिर और फूलेगा फूलेगा फूलेगा, वेन फूलती जाएगी। तो वेन बेसिकली सोल सूजन आ जाएगी, सोलन ट्विस्टेड एनलार्ज्ड वेन इज वेरिकोस वेन, राइट? यही कारण है इसका, बस इसी को। फिर चमड़ी के नीचे आप देख सकते हो, यही चीज स्किन के नीचे होती है, और स्किन के नीचे बड़ी बड़ी वेन्स, धीरे से वेन ट्विस्टेड वेन्स दिख जाती हैं, जो कि हरी लाल ग्रीन ब्लूइश दिखती है, राइट? ज्यादातर पैरों में पाई जाती है, लेकिन बॉडी में कहीं भी हो सकती है, राइट? और इसी कारण से होती है, और कोई कारण नहीं है इसका। ज्यादातर औरतों में ज्यादा देखी जाती है, लेकिन किसी में भी हो सकती है, बहुत ज्यादा कॉमन है, मर्दों में भी होती है। नॉर्मली थोड़ी मात्रा में सूजन आने से इनिशियली कुछ नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक अगर सूजन बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, तो दर्द होगा, तो दर्द शुरू होगा, सूजन आएगी, पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाएगी, उस इतने बड़ी जगह पे ब्लड जमा होने लग जाएगा, बड़ा बड़ा होते जाएगा, तो वहां पे क्लॉट बन सकता है, उसके ऊपर की चमड़ी खराब होनी शुरू हो सकती है, ड्राई इरिटेटेड, उसके ऊपर अल्सर आने शुरू हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये क्यों हुआ, आपको हुआ क्यों, हुआ होगा तो क्यों होगा? एक तो उम्र के साथ होगा, उम्र के साथ वेल्व की फंक्शन खराब हो सकती है। दूसरा, फीमेल्स में ये ज्यादा होता है, क्योंकि फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी में, प्रेगनेंसी में, मीनोपॉज में, वेल्व्स में, आपके हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से आपके वेल्व्यूलर डिसफंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या आप कोई हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं, तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कई बार ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, मोटापे की वजह से प्रेगनेंसी में ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि आप इसी के साथ जन्म हुए, आपका बॉर्न से बचपन से वेल डिफेक्टिव है, ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आपको बहुत देर तक खड़े होने की वजह से, बहुत देर तक बैठने की वजह से, अगर आप एक ही जगह पे खड़े रह के काम कर रहे हैं, लंबे समय तक खड़े होते हैं, लंबे समय तक बैठते हैं, सबसे कॉमन कॉज यही है, मोटापा और लंबे समय तक खड़े रहना, लंबे समय तक बैठना, और उम्र, ओल्ड एज, राइट? तो इसके वजह से होता है। और अगर आपको पहले से हिस्ट्री है, आपके ब्लड में ऑलरेडी पहले क्लॉट हो चुका है, तो फिर हो सकता है उसकी हिस्ट्री, उसके साथ आपकी रिस्क बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री है अगर वेरिकोस वेन की, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है, राइट? तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से आपकी वेल्व में डिसफंक्शन होकर वेरिकोस वेन हो सकता है। अगर आपको वेरिकोस वेन हुआ, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वेन फूल रही है,
तो उसमें फुलनेस होगा, भारी भारी लगेगा पैर, पैर में दर्द हो सकता है, और सोलन होगा तो बड़ी बड़ी दिखेगी वेन्स, तो दिखेगी वेन आपको। अगर छोटी छोटी वेन्स सूझेगी तो छोटी छोटी स्मॉल वेन को क्या कहते हैं पता है, उसे कहते हैं स्पाइडर वेन्स। छोटी छोटी वेन्स जो दिखती हैं उनको स्पाइडर वेन्स कहते हैं, और बड़ी बड़ी वेन्स जो वेरी नाइस वेन्स। थाए में या काफ में आपके क्रैम्प्स आ सकते हैं, क्रैम्प्स आ सकते हैं, रात को ज्यादातर आते हैं ये क्रैम्प्स। पैरों में सूजन हो सकती है, पैरों में पानी भर सकता है, इचिंग हो सकती है उसके ऊपर वाली स्किन के ऊपर, इचिंग राइट। और काफ में ज्यादातर ज्यादा लंबे समय तक बैठेंगे, खड़े होंगे तो दर्द होगा। ऊपर की जो चमड़ी है उसके ऊपर की जो स्किन है उसका कलर चेंज हो सकता है, वो ड्राई हो सकती है, इरिटेटेड हो सकती है, स्केली हो सकती है, क्रैक हो सकती है, अल्सर हो सकता है उसके ऊपर। एक बार अल्सर हो गया उसके ऊपर बहुत मुश्किल से हील होता है वो, वीनस अल्सर इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट राइट। उसके ऊपर की चमड़ी थिक हो सकती है, हार्ड हो सकती है, क्रैक आ सकते हैं, एंकल्स पैर के एंकल्स की चमड़ी थिक हार्ड हो सकती है, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। अगर आपने ध्यान ही नहीं दिया तो होगा, तो अपने पैरों को देखो, डॉक्टर को दिखाओ, देखने भर से पता चल जाता है कि ऊपर से सूजन है, नसें सूजी हैं या नहीं राइट। और अगर लग रहा है नसें सूजी सूजी हुई है, वेन्स बड़ी बड़ी दिख रही है, उसके ऊपर ग्रीन रेड कलर की वेन्स है, तो फिर चेकअप भी करा सकते हो, अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हो। अल्ट्रासाउंड में कलर डॉपलर, वीनस कलर डॉपलर करके देखते हैं, वेन का फ्लो दिखता है, उसके अंदर कोई क्लॉट तो नहीं है वो दिखता है। और दो पैरों के अंदर एक वेन थोड़ी, बहुत सारी वेन है, वेन अंदर ही अंदर, बीच में भी वेन है, बीच में वेन बाहरी वेन के साथ परफोरेटर से कनेक्टेड है, वो सारे कनेक्शन जो है अल्ट्रासाउंड में देखे जाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से वो भी दिखता है कि कहीं परफोरेटर बंद तो नहीं हो गए, उसके वजह से भी दिक्कत होती है, उसके वजह से भी पैरों में सूजन आती है राइट। सो एक वीनस डॉपलर कलर अल्ट्रासाउंड कराना होता है, वो कराइए, ब्लड टेस्ट रूटीन करा के देख लीजिए कहीं कोई और दिक्कत तो नहीं है राइट। फिर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट दोस्तों एक क्रोनिक कंडीशन है, आपके वजन के साथ, इसके साथ बहुत सारी चीजों के साथ आ रही है, तो ये ज्यादा खड़े होने के साथ, तो सेल्फ केयर तो खुद करना ही पड़ेगा, आपको खुद का ट्रीटमेंट खुद करना पड़ेगा। पहला स्टेप वही है, पहला स्टेप वही है, पहला स्टेप उसमें क्या क्या कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनना होगा, यू हैव टू वेयर कंप्रेशन स्टॉकिंग। जो स्टॉकिंग आती है जो पैर को नीचे से लेके ऊपर तक, थाइस तक कवर करके रखती है, दबा के रखती है, कंप्रेशन, चलते हो तो दबाती है, खड़े होते हो तो दबा के रखती है, ताकि वेन्स दबी रहे, ताकि जेंटली स्क्वीजिंग से वो खून जो है वो ऊपर हार्ट की तरफ पुश होता है, तो वेन्स जो है और नहीं फैलती और खराब नहीं होगा ठीक है, और उसके ऊपर जो कॉम्प्लिकेशन है नहीं आएंगे काफी हद तक, काफी इनिशियल स्टेज में इतना काफी है। दूसरी स्टेप जो जरूरी है, बहुत देर तक बैठना नहीं, बहुत देर तक खड़े नहीं होना है, एक ही जगह पे थोड़ा बहुत पैर भी हिला लेंगे, थोड़ा बहुत चल लेंगे इधर उधर, वो भी काफी हो जाएगा। और अगर पैरों में सूजन है तो दिन में 3 से 4 बार, दिन में 3 से 4 बार पैरों को दिल से ऊपर लेके आना है, हार्ट लेवल के ऊपर रखना है पैरों को, लेट जाइए, चाहे बैठे हैं तो ऊपर टेबल पे पैर रख लो, तकिए के ऊपर रख लो, कैसे भी रख लो, हार्ट लेवल के ऊपर पैर जाने चाहिए 3 से 4 बार, कम से कम 15 मिनट के लिए हर बार, तो टोटल 1 घंटा राइट। उससे क्या होगा, पैर से ब्लड वापस हार्ट में आ जाएगा, बढ़िया वो बैठ जाएंगे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर उसके ऊपर की चमड़ी ड्राई है, उसके ऊपर इरिटेशन है, कोई वूंड हो गया, कोई अल्सर हो गया, तो उसका केयर सबसे जरूरी है, इन्फेक्ट मत होने देना। एक बार वो अल्सर बन गया, इन्फेक्ट हो गया, बुरा हाल हो जाता है राइट। मोटे हो तो वजन कम करो, वेट लॉस की हमारी सीरीज देख लो, उससे वजन कम होता है। डाइट चेंज करो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज से हेल्प होगी, एक्सरसाइज में पैरों की काफ मसल्स काम करती हैं राइट। एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज से आपका वजन भी कम होगा, और जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी काफ मसल्स जो काम करेंगी, वो मसल्स साथ में प्रेशर डालेंगी उस वेरिकोज वेन पे, साथ में आपने स्टॉकिंग पहनी हुई है तो वेरिकोज वेन दबेंगी, और साथ में आपके जो वो ब्लड है वो ऊपर हार्ट की तरफ पुश हो जाएगा, वो कम हो जाएंगी राइट। और अगर लेग के ऊपर ड्राई क्रैक्ड स्किन है तो उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा, और ध्यान रखिए उल्टी सीधे केमिकल प्रोडक्ट्स मत लगाना, उससे गड़बड़ बढ़ सकती है। कोई भी लोशन कोई भी उठा के मत लगाना, डॉक्टर से पूछ लीजिए, एंटीबायोटिक्स लोशन की जरूरत नहीं होती है जब तक वहां पे इन्फेक्शन ना हो जाए, रिमेंबर दिस ओके। और अगर ये सारी चीजों से, ज्यादातर लोगों का इन सब चीजों से कंट्रोल हो जाएगा, कंप्रेशन स्टॉकिंग, ज्यादा देर खड़े नहीं रहना, 15 मिनट के लिए दिन में 4 बार पैर को हार्ट से ऊपर लेके जाना, वजन कम करना, एक्सरसाइज करना और मॉइस्चराइज करना ठीक है, इससे हो जाएगा, काफी लोगों का हो जाएगा। लेकिन नहीं हो रहा, आपकी दिक्कत बहुत ज्यादा लेवल तक बढ़ चुकी है, नसें बहुत फूल चुकी है, पैर में सूजन बहुत ज्यादा, दर्द बहुत ज्यादा, पैरों में क्लॉट है, फिर
तो भाई साहब आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या होता है, नसों को बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे छोटा है स्क्लेरोथेरेपी। इसमें उद्देश्य होता है कि आपकी जो सूजन सूजी हुई नस है वो सिकुड़ जाए, बंद हो जाए, खत्म हो जाए, निकल जाए, कुछ भी हो, ऐसा कुछ होता है, राइट? क्योंकि वेन बहुत सारी है पैरों में, पैरों से खून ऊपर आ जाएगा, वो एक नस अगर निकल भी जाए तो कुछ नहीं होता, वेन्स बहुत सारी है, लेकिन वहां सूजन है तो ब्लड इकट्ठा है, वो खराब है, इसलिए वो नस को हटाना पड़ता है, उसमें सूजन कम करनी होती है, इसलिए उसमें इंजेक्शन डाल सकते हैं, स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर का इंजेक्शन पहले ट्राई करते हैं या एक केमिकल सोल्यूशन का इंजेक्शन ट्राई करते हैं, जिससे कि वेन हार्ड होके अपने आप डिसअपियर हो जाती है। ये सबसे छोटा प्रोसीजर जो डॉक्टर डे केयर में कर लेता है, हॉस्पिटल ऑफिस में कर लेता है। दूसरा फिर फ्लेबोटॉमी कर सकते हैं। फ्लेबोटॉमी में एक छोटा सा कट मार के उसके ऊपर से लेग पे कट मार के एक दो जगह पे वो पूरी पूरी वेन निकाल देते हैं, जो सूजन जो खराब हो गई वो वेन निकाल देते हैं, ठीक है। और अगर वेन बहुत ही ज्यादा बड़ी हो, लंबी हो, बहुत ज्यादा फैली हो पैर में, छोटी, तो फिर ये सब नहीं कर सकते, हर जगह थोड़ी इंजेक्शन मारते बैठे, फिर आपको करना पड़ता है लेजर या रेडियो फ्रीक्वेंसी एबलेशन। इसमें फिर आपके, इसमें लेजर से वेन को सिकोड़ने की कोशिश करी जाती है या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करी जाती है। एब्लेशन में बेसिकली आपके पैर में वही थोड़ा सा चीरा मार के वेन के अंदर से एक छोटा सा पाइप कैथेटर जैसे बोल के उसमें डाला जाता है, उसमें से रेड हीट जो निकलती है, हीट से वो अंदर से उसको धीरे धीरे सिकुड़ता है, धीरे 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 वो सिकुड़ जाती है। अलग अलग प्रोसीजर है, तो एब्लेशन थेरेपी है, लेजर थेरेपी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरेपी है, और अल्टीमेटली अगर नहीं भी कुछ काम कर रहा तो पूरी की पूरी लंबी वेन भी स्ट्रिप करके निकाल सकते हैं, ऑपरेशन से रिमूव कर सकते हैं, टाई करके बड़ी वेन को यहां से उतार दी, वहां से बांध दी, निकाल दी पूरी ऑपरेट करके, राइट? बड़ी वेन अगर बहुत ज्यादा फैल गई है, जितनी बड़ी वेन उसमें उतना ज्यादा खून जमा होगा, उतना ज्यादा आपके शरीर पे इफेक्ट डालेगा, राइट? इसलिए फिर करना पड़ता है कुछ केसेस में। इसलिए इनिशियल स्टेज पे सेल्फ केयर जो बताए स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतनी बढ़ेगी नहीं, राइट? नहीं आज ध्यान देंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ती है, वेरिकोज वेन प्रॉब्लम धीरे धीरे वर्स होती जाती है। इसलिए सारे जितने भी सेल्फ केयर टिप बताए हैं फॉलो करना अनिवार्य है, जरूरी है, हर एक को देखिए अपना पैर जाके, जरा सी भी वो दिख रही है तो ये सब फॉलो करो, ठीक है? कोई भी दर्द होता है पैरों में तो वेरिकोज वेन के लिए देख लो, राइट? और अपने डॉक्टर से बात करो, अगर दर्द बढ़ रही है, क्लॉट है, कभी इरिटेशन है, स्वेलिंग है, फीवर है, पैरों में सोर्स हो रहे हैं, कुछ भी चीज है, ऐसी कुछ भी शक है तो डॉक्टर से बात करो, राइट? वेरिकोज वेन को हल्के में नहीं लेना है, लाइटली नहीं लेना है, होता ये ऑलमोस्ट सबको है एक ना एक उम्र में जाके, आपको मैनेज कैसे करना है ये आपके हाथ में है, राइट? पैरों को ध्यान देंगे तो चल पाएंगे, राइट? और आई होप आपको समझ में आया कि प्रॉब्लम कहाँ है। छोटी सी प्रॉब्लम है, वेल्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारी वेन्स हैं पैर के अंदर, एक दो वेन खराब होके आपकी ऐसी तैसी कर देती हैं, वेन्स को निकाला जा सकता है, सुखड़ाया जा सकता है, बड़ी बात नहीं है, कोई मेजर ऑपरेशन नहीं है, छोटा सा प्रोसीजर होता है, करा सकते हैं अगर दिक्कत ज्यादा है तो। वरना एटलीस्ट सेल्फ केयर वाले स्टॉकिंग्स पहन लो, पैर ऊपर रख लो, जितनी भी चीजें बताई हैं वो सब करो, ओके? दैट्स ऑल अबाउट वेरिकोज वेन्स। आई होप आपको समझ आया। प्लीज 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 इस वीडियो को पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं तो इस वीडियो को धुआंधार तरीके से शेयर करो दोस्तों। ये जरूरी टॉपिक्स हैं, जरूरी टॉपिक सबको पता होना चाहिए, राइट? इससे पहले कि वो बेचारे परेशान होते रहें, सालों तक पता ही ना चले, या उल्टी सीधी दवाएं लेने बैठ जाए, अपना बेड़ा गर्क कर लें। कोशिश करते हैं, सबको बताते हैं इलाज क्या होता है, ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट वेरिकोज वेन्स। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेहरू नगर, दिल्ली NCR। अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो कल फिर मिलूंगा ऐसे ही एक टॉपिक लेके, जोरदार जबरदस्त। सो आप कुछ जानकारी देंगे, आप उसे आगे फैलाइए। हेल्थ लिटरेसी की बात है, सबको समझाना है, यह हमारा उद्देश्य है कि इंडिया में किसी को भी हेल्थ के बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, इलाज फिर कहीं से भी कराए। सो दैट्स द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।